दोस्तों लालू के साथ बेटियां हैं और आज हम हमारे इस वीडियो में आपको लालू के सातों लड़कियों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर एक, मिसा यादव। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मिसा कैसा नाम है, तो आपको बता दें कि लालू ने अपनी बेटी का नाम उस एक्टर पर रखा था जिसकी वजह से वे 1970 में पहली बार जेल में गए थे। लालू ने अपनी बेटी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेस कुमार से की है। शैलेस ने सेल्स पैकर्स एंड पीटर्स नाम की एक कंपनी चलाते हैं। मिसा ने 1999 में MBBS एग्जाम टॉप किया था, तब उनकी माँ राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी। नंबर दो, रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू की दूसरी बेटी रोहिणी है। लालू की इस बेटी की शादी शमशेर सिंह से हुई है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोहिणी अपने तीन बच्चों और हस्बैंड के साथ सिंगापुर में रहती है। नंबर तीन, चंदा सिंह। लालू की तीसरी बेटी का नाम चंदा सिंह है। चंदा काफी खूबसूरत है। इन्होंने साल 2006 में इंडियन एयरलाइंस के पायलट विक्रम सिंह से शादी की थी। दोस्तों इनकी शादी में कई VIP लोग आए थे। नंबर चार, रागनी यादव। लालू की चौथी बेटी का नाम रागनी यादव है। रागनी उस वक्त लाइमलाइट में आई थी जब वे अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जमशेदपुर के दसम फॉल गई थी। यहाँ पर वे अपने दोस्त अभिषेक मिश्रा के साथ गई थी। वहाँ मिश्रा की मौत हो गई थी। बाद में अभिषेक की मौत को अपराधिक करार कर दिया गया था। रागनी ने बाद में कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से शादी कर ली थी। नंबर पाँच, हेमा यादव। लालू की पांचवी बेटी का नाम हेमा यादव है। इन पर सुशील मोदी ने बेनामी संपत्ति दान में लेने का आरोप लगाया था। हेमा ने साल 2012 में विनीत यादव से शादी की थी। हेमा के हस्बैंड दिल्ली की राजनीति फैमिली से हैं। नंबर छह, अनुष्का यादव। लालू की छठी बेटी का नाम अनुष्का यादव है। उन्होंने भी साल 2012 अप्रैल में शादी की थी। इनकी शादी हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अजय सिंह के बेटे चिरंजीवी रॉप से हुई थी। इनकी शादी में भी कई VIP गेस्ट शामिल हुए थे। नंबर सात, राजलक्ष्मी। लालू की सबसे छोटी बेटी है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है। राजलक्ष्मी को सेल्फी और फोटो खिंचवाने का काफी शौक है। आए दिन उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। दोस्तों आपको लालू की इन सात बेटियों में कौन सी बेटी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।